सोलन में कल जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समूचे जिला से सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। ये जानकारी जिला खेल विभाग अधिकारी सविंदर कायत ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जिला के कलाकारों को उचित मंच प्रदान करना इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। इस उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। जो भी कलाकार इसमें विजय रहेंगे, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से कलाकारों को अपनी कला को निखारने का मौका मिलेगा, वहीं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागृत होती है। अधिक जानकारी देते हुए खेल विभाग अधिकारी सविंदर कायत ने बताया कि कल सोलन के संस्कृत विद्यालय में यूथ उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला के 5 खंडों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि जो कलाकार यहां पर विजय रहेंगे, उन्हें धर्मशाला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को संजोना है, ताकि युवा तबला वादन, कथक, ग्रुप डांस, फोक डांस जैसी परंपराओं से जुड़े रहे, उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके, वह अपनी राह से भटक कर गलत दिशा में ना जाए। ये संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में यह आयोजन होना है, जो इसमें ठोटो मैदान के बिल्कुल साथ में है। तो इसमें हमारे 4 ब्लॉक्स के पहले ही उनके जो है ट्रायल सेक्शन वगैरह हो रखी है। वो 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोलन की है, 5 ब्लॉकों से पार्टिसिपेशन रहेगा। इसका जो स्टेट होना है, जो यहाँ से सिलेक्टेड होके फर्स्ट प्लेस जिसकी रहेगी, वो सभी इवेंट्स के हमारे स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पार्टिसिपेशन धर्मशाला में होना है। हाँ, नेशनल भी जो वहाँ फर्स्ट आएगी स्टेट की टीम, फिर वो नेशनल जाएगी। इसमें सारी कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे मैंने ग्रुप सॉन्ग हो गया, फोक डांस हो गया, कथक हो गया, फिर तबला वादन हो गया और हारमोनियम वगैरह लाइक। इसमें देखो, यूथ को हमारे आगे उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, और दूसरी बात यह है कि जो यूथ है हमारा, वो एक दिशाहीन भी हो जाता है, भटक जाता है। अगर उसके लिए सही एक प्लेटफॉर्म मिलता है, डायरेक्शन मिलती है जिसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, तो इसलिए भी है। और फिर दूसरा ये भी है कि हमारा जो कल्चर है, पुरानी संस्कृति है, उसको उजागर करने के लिए, वो लुप्त ना हो, उसके लिए कल्चर प्रोग्राम रखे जाते हैं। और यूथ को आगे लाने के लिए, यूथ किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व रहे, ताकि वो अपना दूसरी जगह जैसे नशा वगैरह दूसरी चीजों से बचे रहे। सोलन में कल जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समूचे जिला से सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। ये जानकारी जिला खेल विभाग अधिकारी सविंदर कायत ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जिला के कलाकारों को उचित मंच प्रदान करना इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। इस उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। जो भी कलाकार इसमें विजय रहेंगे, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से कलाकारों को अपनी कला को निखारने का मौका मिलेगा, वहीं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागृत होती है। अधिक जानकारी देते हुए खेल विभाग अधिकारी सविंदर कायत ने बताया कि कल सोलन के संस्कृत विद्यालय में यूथ उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला के 5 खंडों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि जो कलाकार यहां पर विजय रहेंगे, उन्हें धर्मशाला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को संजोना है, ताकि युवा तबला वादन, कथक, ग्रुप डांस, फोक डांस जैसी परंपराओं से जुड़े रहे, उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके, वह अपनी राह से भटक कर गलत दिशा में ना जाए। ये संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में यह आयोजन होना है, जो इसमें ठोटो मैदान के बिल्कुल साथ में है। तो इसमें हमारे 4 ब्लॉक्स के पहले ही उनके जो है ट्रायल सेक्शन वगैरह हो रखी है। वो 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोलन की है, 5 ब्लॉकों से पार्टिसिपेशन रहेगा। इसका जो स्टेट होना है, जो यहाँ से सिलेक्टेड होके फर्स्ट प्लेस जिसकी रहेगी, वो सभी इवेंट्स के हमारे स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पार्टिसिपेशन धर्मशाला में होना है। हाँ, नेशनल भी जो वहाँ फर्स्ट आएगी स्टेट की टीम, फिर वो नेशनल जाएगी। इसमें सारी कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे मैंने ग्रुप सॉन्ग हो गया, फोक डांस हो गया, कथक हो गया, फिर तबला वादन हो गया और हारमोनियम वगैरह लाइक। इसमें देखो, यूथ को हमारे
आगे उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो यूथ है हमारा वो एक दिशाहीन भी हो जाता है, भटक जाता है, अगर उसके लिए सही एक प्लेटफॉर्म मिलता है, डायरेक्शन मिलती है जिसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, तो इसलिए भी है। और फिर दूसरा ये भी है कि हमारा जो कल्चर है, पुरानी संस्कृति है, उसको उजागर करने के लिए, वो लुप्त ना हो, उसके लिए कल्चर प्रोग्राम रखे जाते हैं। और यूथ को आगे लाने के लिए, यूथ किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व रहे, ताकि वो अपना दूसरी जगह जैसे नशा वगैरह दूसरी चीज़ों से बचे रहे।